इसराइल हमास युद्ध में इजरायली सेना को कमजोर करने के लिए हिजबुल्ला शुरुआत से ही उत्तरी इसराइल पर रॉकेट, ड्रोन्स और मिसाइल से हमले कर रहा था। और जब 13 अप्रैल की रात को ईरान ने इसराइल पर हमला किया था तो उस हमले में भी हिजबुल्ला ने ईरान का साथ दिया था। लगातार हो रहे हमलों की वजह से इजरायली सेना का हिजबुल्ला के साथ टकराव बढ़ता जा रहा है। हालांकि IDF ने लेबनान के भीतर एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्ला और हमास के कई बड़े नेताओं और कमांडरों को ढेर किया है, जिसकी वजह से हिजबुल्ला इजरायली सेना पर और ज्यादा भीषण हमले कर रहा है। और अब इजरायली सेना और हिजबुल्ला की सीधी आमने सामने की भिड़ंत हुई है। दरअसल हिजबुल्ला ने दावा किया है कि IDF की गोलानी ब्रिगेड्स उत्तरी इसराइल से लेबनान के भीतर घुस आई थी, जिसकी हिजबुल्ला के लड़ाकों के साथ जबरदस्त भिड़ंत हुई है। और इस भिड़ंत में इजरायली सेना के जवान मारे गए हैं और घायल हुए हैं। इसको लेकर हिजबुल्ला ने एक बयान भी जारी किया है, जिसमें उसने कहा कि करीब से नजर रखने और दुश्मन सेना के संभावित गतिविधि के बाद हिजबुल्ला के लड़ाकों ने तल इस्माइल इलाके में कई विस्फोटक बिछा दिए थे। जैसे ही गोलानी ब्रिगेड ने बॉर्डर पार किया और वो बारूद वाली जगह पर पहुंची, वैसे ही बारूद को डेटोनेट कर दिया गया, जिसमें गोलानी ब्रिगेड्स के कई जवान मारे गए और घायल हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायली मीडिया ने भी IDF के जवानों के घायल होने की बात कही है। इजरायली मीडिया का कहना है कि इन जवानों में एक गंभीर रूप से घायल हुआ है और हिजबुल्ला ने दक्षिणी लेबनान बॉर्डर वाले इलाके में ये बारूद बिछाया था, जिसकी चपेट में IDF के जवान आ गए थे। इजरायली न्यूज एजेंसी हारतेज ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इजरायली सेना की दक्षिणी लेबनान में गतिविधि के दौरान एक अज्ञात स्रोत के विस्फोटक में इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। इनमें से एक जवान की हालत गंभीर है, दो मध्यम रूप से और अन्य मामूली रूप से घायल हुए हैं। सेना ने इस बात की जानकारी दी है। इजरायली मीडिया ने इस बात की भी पुष्टि की है कि घायल हुए जवान गोलानी और यलाम ब्रिगेड से ताल्लुक रखते हैं और इन जवानों को हेलीकॉप्टर के जरिए घटनास्थल से रेस्क्यू करके अस्पताल ले जाया गया है। इस सब के बीच आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब IDF को इस तरह के विस्फोटक वाले जाल में फंसाया गया हो। इससे पहले गाजा में भी हमास के लड़ाके खंडर बने मकानों और सुरंगों में विस्फोट बिछाते आए हैं और वो IDF को भ्रमित करते हुए विस्फोटक वाली जगहों पर ले जाते हैं और जैसे ही IDF वहां पहुंचती है, बारूद फट जाता है, जिसमें इजरायली सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा है।